जय हिंद साथियों, आज हम आपको महात्मा गांधी जी के एक ऐसे मित्र की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसे अतीत के पन्नों में मात्र चंद लाइनों में समेट दिया गया। हम बात कर रहे हैं अहिंसावादी स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां की, जिन्हें उनके चाहने वाले बच्चा खान या बादशाह खां के नाम से पुकारते हैं। रहम दिल भी बहादुर भी हो, उसके किरदार में, उसकी गुफ्तार में शमा अखलाक की झिलमिलाए। बात कम और अमल वो ज्यादा करे, हो अटल दिल में जो भी इरादा करे, खामोशी उसकी ऐसे लगे फूल जैसे कोई मुस्कुराए। इनका जन्म पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 6 फरवरी 1890 को शांतिपूर्ण और समृद्ध पश्तून परिवार में हुआ था। इनके पिता बैरम खां हस्तनागर के जमींदार थे। बादशाह खां बैरम खां के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा चलाई जाने वाली एडवर्ड मिशन स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। बादशाह खां कुशाग्र बुद्धि के थे, जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने उन्हें उनके भाई अब्दुल जब्बर खां के साथ लंदन में पढ़ने की पेशकश की, परंतु उनकी मां नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे उनसे दूर जाएं। इसीलिए वे अपने पिताजी की जमींदारी में ही हाथ बटाने लगे। वक्त के साथ वो धीरे धीरे सामाजिक कार्यों से जुड़ने लगे। वे चाहते थे कि पश्तून के लोगों का जो हक है वो उन्हें प्राप्त हो, परंतु अहिंसा के मार्ग पर चलकर। इसीलिए नवंबर 1929 को उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन प्रारंभ किया, जिसकी सफलता ने अंग्रेजी हुकूमत को बेचैन कर दिया। उन्होंने सरहद पर रहने वाले उन पठानों को अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिन्हें इतिहास में हमेशा लड़ाके के तौर पर दर्शाया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान 23 अप्रैल सन 1930 को गफ्फार खां की गिरफ्तारी के बाद खुदाई खिदमतगारों ने पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक जुलूस निकाला। अंग्रेजी प्रशासन ने उन पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया और देखते ही देखते 200 से 250 लोग मारे गए, पर प्रतिहिंसा नहीं हुई। ये था गफ्फार खां का नेतृत्व क्षमता। उन्हें इस बात का बेहद दुख था कि मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की मांग कर ली थी, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। परंतु जब अंततः कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, तब वे बहुत निराश हुए और उन्होंने कहा, आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। आखिरकार विभाजन के बाद बादशाह खां ने भारी मन के साथ पाकिस्तान के साथ रहने का निर्णय लिया और पाकिस्तान के अंदर ही पख्तूनिस्तान नामक एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई की मांग करते रहे। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा उन पर शक की निगाह रखी, जिसके कारण उनका जीवन अक्सर जेल में ही गुजरा। वो रह तो रहे थे पाकिस्तान में, मगर उनका दिल, उनकी आत्मा हिंदुस्तान की सरजमी में वास कर रही थी। वो कई बार हिंदुस्तान आए और बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। पख्तूनिस्तान के आज़ादी की बात, सन 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। ताउम्र अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार 20 जनवरी 1988 को 97 साल की उम्र में पेशावर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके इच्छा अनुसार उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में उनके घर पर दफनाया गया। उनके मन की टीस आप उनके इन शब्दों में समझ सकते हैं,
जो उन्होंने कहा है, जो मृत राष्ट्र होते हैं वे अपने राष्ट्र नायकों को उनके मृत्यु के बाद याद करते हैं, वहीं जीवित राष्ट्र जब वे जीवित होते हैं उनका सम्मान करते हैं। काश काश तुम उनकी इन बातों को समझ पाते। हमें गर्व है ऐसे सीमांत गांधी पर। जय हिंद।